नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक यूट्यूब चैनल पर अनिल मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अनिल मिश्रा आज से संस्कृत टीजीटी पीजीटी की बैच क्लास होने जा रही है। और मित्रों, आज से आपके विषय वस्तु की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आपने मेरा पहला डेमो क्लास देखा, जिसमें हमने आपको पहले डेमो क्लास में थोड़ा सा परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ सावधानियां हैं, कैसे हमें अध्ययन करना चाहिए, हमने थोड़ा सा उसको आपको अवलोकन किया। दूसरे डेमो क्लास में हमने आपको देखा कि कैसे विषय वस्तु की पढ़ाई की जाती है, कहां कहां से प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने इसका अवलोकन किया। और इसके बाद हमने आपको आपके पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले पूर्व में आए हुए एक प्रश्न पत्र को लेकर के थोड़ा सा उसके कुछ अंश को अवलोकन किया और हमने आपको बताया कि देखिए, कभी भी टीजीटी पीजीटी की पढ़ाई करने से पहले आपको एक बार पूर्व में आए हुए प्रश्नों को जरूर देख लेना चाहिए मित्रों, क्योंकि समय के साथ साथ कैसे कैसे आपके परीक्षा प्रणाली में बदलाव हो रहा है, हमारे पढ़ने के तौर तरीकों में कैसे अंतर होना चाहिए। क्योंकि एक चीज आपने देखा कि समय के साथ साथ प्रतियोगिता कितनी टफ होती जा रही है, तो यदि आप एक लीक पर ही केवल मेहनत करेंगे, अपने में बदलाव नहीं लाएंगे, परीक्षा प्रणाली को देखकर पढ़ेंगे नहीं, तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएगा। तो इसलिए आप कम से कम पूर्व के पेपर से सीख लें और उसके साथ साथ देखिए, आज गुरुवार है, जैसा कि हमारे मनीषियों के द्वारा यह बात शास्त्रों में बताई गई है कि विद्यारंभे गुरुवारे, क्या है, विद्यारंभे गुरुवारे। विद्या रंभे गुरुवारे, विद्या रंभे गुरुवारे, विद्या की शुरुआत सदैव गुरुवार से होनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार जो आपका बृहस्पति है, क्योंकि देवताओं का देव, देवताओं का पिता बृहस्पति, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तो आज देखिए, आज आपके टीजीटी के क्लास का शुभारंभ होने जा रहा है मित्रों, और शुभारंभ के साथ साथ आज से आपके पाठ्य वस्तु की शुरुआत होने जा रही है। और इस पाठ्य वस्तु में, इस पाठ्य वस्तु में सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले आज एक ऐसे ग्रंथ की शुरुआत हम करने चल रहे हैं जो आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत महत्वपूर्ण कालिदास का नाटक है। आज हम लोग इसी अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक चीज आप देखें, आपके टीजीटी के सिलेबस में, जो भी आपका सिलेबस है, उसमें इस अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक,
चतुर्थ अंक। ये चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में रखा गया है मित्रों, और इस चतुर्थ अंक के मात्र 22 श्लोक ही आपके सिलेबस में रखे गए हैं। सिलेबस बहुत संक्षिप्त है, सिलेबस बहुत संक्षिप्त है और बहुत ही सरल है। तो आज यहीं से विषय वस्तु की शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए शुरुआत किस ग्रंथ से हो रही है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से हो रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में है, उसमें मात्र 22 श्लोक को ही आपको पढ़ना है मित्रों। देखिए यहीं से प्रश्न उठ जाता है, ये आपसे बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, भैया अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, 22। तो देखिए यहीं से जो है आपका सिलेबस शुरुआत होता है। लेकिन विषय वस्तु की शुरुआत से करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगियों के लिए जानना नितांत आवश्यक है, थोड़ी सी चर्चा वहां पर होनी चाहिए मित्रों। चर्चा किस बात की होनी चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि आपके सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम जो पहला ग्रंथ आप अध्ययन करने जा रहे हैं, इस अभिज्ञान शाकुंतलम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे आपका जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस में जो आपका विषय का पहला ग्रंथ रखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए पाठ्यक्रम में जो है पाठ्य सामग्री में अभिज्ञान शाकुंतलम आपका ग्रंथ का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। आपने देखा ये है क्या, ये नाटक है। तो देखिए कह रहे कि यहां जो सिलेबस आपके टीजीटी के सिलेबस में रखा गया है, तो यह भी बता दिया गया है कि मित्रों इस अभिज्ञान शाकुंतलम से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखिए कह रहे कि जो आपका पहला प्रश्न आएगा, यह पहला प्रश्न क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि यह पहला प्रश्न जो होगा आपसे यहां से शब्दार्थ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे शब्दार्थ पूछा जाएगा। चतुर्थ अंक का जो सिलेबस है जो आपके 22 श्लोक हैं, उन 22 श्लोकों में से कोई ऐसा पद दे दिया जाएगा और उसका आपको अर्थ बताना होगा। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि यहां से किस तरह का पूछा जा सकता है, तो कह रहे हैं कि सूक्तियां, सूक्तियां जो सुभाषित कथन है, जैसे कोई भी स्मृतिताम नशबोधितोपि संकथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव, पहला श्लोक है बहुत सुभाषित कथन है, और दुर्वासा ऋषि इस बात को कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, शकुंतला को कह रहे हैं कि स्मृति त्वाम नशबोधितोपि संकथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव, वह दुष्यंत आपको उसी तरह से याद नहीं करेगा जैसे मुझ जैसे अतिथि के आने पर आप जो है आतिथ्य का तिरस्कार कर रही हैं।
ऐसे तुम्हें याद दिलाने पर वह भी आपको बार बार याद दिलाने पर आपको वह याद नहीं करेगा। ऐसे महत्वपूर्ण कथन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि यह सूक्ति किस पात्र के द्वारा कही गई है, किसके विषय में कही गई है, तो कर एक ऐसे कथन पूछे जाते हैं। अति स्नेह पाप संग की महत्वपूर्ण सूक्ति है। गुरुवपि विरह दुख मासा बंधा साहयति, ऐसे ऐसी महत्वपूर्ण चतुर्थंग की सूक्तियां हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। तो कह रहे हैं कि दूसरा प्रश्न जो है आपसे सूक्ति से संबंधित हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कह रहे हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। और फिर आगे बता रहे हैं कि चरित चित्रण, चरित चित्रण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस ग्रंथ का नायक है, पूछा जा सकता है कि नायक जैसा कि आप जानते हैं दुष्यंत है, नायिका, जितने भी पात्र हैं उन पात्रों के बारे में थोड़ा सा आपको विशद जानकारी करनी पड़ेगी। नायक कैसा है, नायिका कैसी है, ऋषियों की प्रकृति कैसी है, शकुंतला के बारे में विशद रूप से आपसे जाना जा सकता है। तो जितने पात्रों का प्रयोग हुआ है उनके चरित्र चित्रण को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज और बता रहे हैं कि जो लास्ट प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकता है, ग्रंथकर्ता का परिचय, हम सभी प्रतियोगियों से इस बात के लिए विशेष रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वह विज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे वह उत्तर रामचरितम हो, चाहे वह किरातार्जुनीयम हो, चाहे नीति शतक हो, चाहे मेघदूतम हो, अन्यत्र जितने भी ग्रंथ साहित्यिक रूप से आपके सिलेबस में रखे गए हैं, ये पांच तरह के, कितने, पांच तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं साहित्य से। कितने तरह के, पांच तरह के जो है प्रश्न पूछे जाने हैं। ये पांच तरह के प्रश्न आपसे मित्र पूछे जाएंगे और इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि एकदम आप ग्रंथ को रट डालिए, शब्दशः रट डालिए, पता लगा आपके प्रश्नों के तरीकों के बारे में पता नहीं है तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे और प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझेंगे तो वह मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। इसी आधार पर आपको पढ़ना है। तो देखिए, एक लास्ट प्रश्न है, जैसे ग्रंथकार का परिचय। एक चीज यहां पर मित्रों बहुत ध्यान देने की बात है, ग्रंथकार का परिचय, जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनिंग साथ लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, क्योंकि शुरुआत से पहले जो है इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथकार का परिचय आपने देखा या आपका ग्रंथ है और यह बता दिया गया कि यह नाटक किसका है, तो यहां पर एक बात समझ में आती है मित्रों, ग्रंथकार का नाम जैसे आपके सामने आता है तो तुरंत आपके सामने एक बात आती है, महाकवि कालिदास।
महाकवि कालिदास, जैसा कि संस्कृत साहित्य का हर विद्वान इस बात को जानता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। मैं बार बार इस बात को बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जैसे कालिदास का नाम आता है तो उसके दिमाग में एक बात आने लगती है कि कालिदास समाज को क्या देना चाहते हैं, इस ग्रंथ में कालिदास समाज को क्या बताना चाहते हैं, चाहे वह उनका महाकाव्य हो, चाहे रघुवंशम रहा हो, चाहे कुमार संभवम रहा हो, चाहे उनका नाटक रहा हो, चाहे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम रहा हो, चाहे मालविकाग्निमित्रम रहा हो, चाहे उनका गीत काव्य रहा हो मेघदूत, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, समाज को कालिदास से क्या सीख मिलनी चाहिए, इस बात को व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो देखिए, इस ग्रंथ में सबसे पहले नाटक, जैसे ये पूछा जाता है दुनिया का सर्वोत्कृष्ट नाटक, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट नाटक है कालिदास, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में इनकी गिनती होती है। इस पर चर्चा होगी कि क्यों इन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जाता है। तो एक चीज यहां पर आपके दिमाग में यहीं पर छोड़ देना चाहता हूं, थोड़ी सी चर्चा कालिदास के नाट्य कला पर करना चाहता हूं। कालिदास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं, जैसा कि विदित है संस्कृत साहित्य के जितने मूर्धन्य विद्वान हैं सभी इस बात को जानते हैं कि जब नाटक की बात आती है संस्कृत साहित्य के विद्वानों के सामने, नाटक में दृश्य काव्य की जब भी बात होती है तो गणना जो है सबसे पहले कालिदास की आती है। तो भैया आखिर क्या बात है, कालिदास के नाटक में कौन ऐसी कला बता दी गई है कि जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में उनकी गिनती होती है? तो थोड़ा सा यदि इस बात को आप जान लेंगे कि आखिर उनके नाटक कला में क्या बातें हैं तो आपको नाटक आसानी से समझ में आने लगेगा। घटना कैसे क्रमबद्ध से सारे अंकों में, जैसे 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, प्रथम अंक से लेकर के 7 अंक में घटनाओं का कैसे क्रमबद्ध ढंग से नाटक खेला जा रहा है, नाटक का कैसे पात्रों के द्वारा मंचन किया गया है, घटनाएं क्या प्रभाव डाल रही हैं, तो इसके बारे में आपको पता लग जाएगा और बहुत आसानी से आपका विषय वस्तु तैयार हो जाएगा। तो आइए देखें, सबसे पहले हम जो है कालिदास के नाट्य कला की बात करते हैं। मित्रों थोड़ा सा पहली बात जब आती है घटना संयोजन में सौष्ठव, घटना संयोजन में सौष्ठव, पहली बात देखिए, चाहे जो नाटक कालिदास का हो, चाहे वह अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे विक्रमोर्वशीयम, कालिदास के नाटकों में जो घटनाएं हैं, जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम आपके सिलेबस में है, कालिदास के इस नाटक में आपने देखा कि कथानक महाभारत से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, बहुत छोटा सा कथानक है और उस कथानक में छोटे से अंश को लेकर के कालिदास ने अपने 7 अंकों में इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का निर्माण कर दिया। छोटी सी घटना को लेकर के 7 अंकों में जो है इस नाटक को
निर्माण कर दिया। अब कह रहे कि घटना संयोजन, क्योंकि देखिए जो घटना प्रथम अंक में घट रही है, जो घटना द्वितीय अंक में घट रही है, जो घटना चतुर्थ अंक में घट रही है, जो घटना पंचम अंक में घट रही है, जो घटना षष्ठम अंक में घट रही है और लास्ट अंक सप्तम अंक में नाटक का जहां समापन हो रहा है, उन घटनाओं को जोड़ा कैसे गया, कालिदास ने जोड़ा कैसे है। जैसे जैसे अंक आपके सामने आता है, लगता है कि सारी चीजें आपके आंखों के सामने घटित हो रही है। जैसे पहला अंक आपने जब देखा, पहले अंक में राजा दुष्यंत इस नाटक का नायक है, नायक जो है आश्रम में प्रवेश कर रहा है। नायक क्या कर रहा है, आश्रम में प्रवेश कर रहा है, कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर रहा है और इसका नामकरण भी कर दिया गया है आश्रम प्रवेश। नायक के प्रवेश करने के कारण कहां, कण्व ऋषि के आश्रम में यह घटना जो घट रही है। दूसरा अंक आप उठा के देख डालिए, दूसरे अंक में आश्रम में राजा जो नायक है दुष्यंत, वह उस आश्रम में निवास करता है। दोनों घटनाओं को देखिए तो लगता है तारतम्यता कहीं टूटती नहीं। तीसरे अंक की घटना आपने देखा कि आश्रम में निवेश करने के कारण नायिका वहीं आश्रम में निवास कर रही है, वहीं पर शकुंतला और राजा दुष्यंत से मुलाकात हो जाती है, वहीं पर गांधर्व विवाह हो जाता है और इसी के नाम पर जो है तीसरे अंक का नामकरण क्या कर दिया जाता है, विवाह अंक कर दिया जाता है। अगले अंक को आप देखिए, विवाह के बाद हमारे भारतीय संस्कृत की एक बहुत महती परंपरा है और कालिदास ने भारतीय समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि शकुंतला का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद वो गड़बड़ी हो जाती है और उसको पति के घर जाना है। तो चौथे अंक का नामकरण देखिए, कैसे तृतीय को चौथे से कैसे जोड़ा जा रहा है कि उसका नाम विदाई अंक रख दिया जाता है। इसी तरह से पांचवें अंक को देखिए आप, उसका प्रस्थान होता है पतिगृह के लिए, अब वह कर्व ऋषि के आश्रम से जो है हस्तिनापुर को जाने के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे ऐसे हर अंकों का एक दूसरे से घटनाओं का कितने मार्मिक ढंग से कालिदास ने वर्णन किया है, यह सामान्य मनः मस्तिष्क को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। भाषा इनकी इतनी सरल है कि चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे एकदम आपका पढ़ाई लिखाई से कहीं संबंध न हो, क्योंकि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते, कालिदास की जो शैली है इतनी सरल है, इतनी सरस है कि कबीर के दोहे की तरह कालिदास के भाषा को आप आसानी से समझ सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण कालिदास के घटना संयोजन जो नाट्य कला की कला है वह बहुत ही सरल है। दूसरी बात आती है मित्रों, घटनाओं और वर्णनों में सार्थकता, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने बताने चल रहा हूं। कह रहे कि जो कालिदास का नाटक है, कालिदास के नाटक में जो घटना घटती है और जो उनका वर्णन कौशल है उसकी कितनी सार्थकता है, एक तरह से आप कह सकते हैं इस नाटक की वर्तमान परिवेश में उपयोगिता क्या है। जैसे एक चीज आप बताइए, थोड़ी सी बात है, हम चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में है, चतुर्थ अंक की जो महत्वपूर्ण घटना है
शकुंतला की विदाई हो रही है, शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही है, कर्ण ऋषि शकुंतला के धर्म पिता हैं, वो एक ऋषि हैं, वो एक ऋषि हैं, सामान्य जीवन से उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उनका लगाव नहीं है। कर्ण ऋषि कहते हैं, एक बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, अपने चतुर्थ अंक के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में, आज शकुंतला पतिगृह को जा रही है, आज शकुंतला पतिगृह को जा रही है, उसके पतिगृह जाने से मेरी क्या स्थिति हो गई है, मेरा गला दुख से भर आया है, गले से शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों से इतनी आंसू गिर रहे हैं कि दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है। कह रहे हैं कि जब एक मैं वनवासी हूं, अरण्यों का सह, वन में निवास करने वाला हूं, जब एक सन्यासी की एक स्थिति ये हो सकती है, तो वर्तमान में एक सामान्य जीवन में एक सामान्य व्यक्ति जब पहली बार अपनी पुत्री की विदाई करता है तो उसको कितना कष्ट होता होगा। तो देखिए, यही कालिदास के जो है नाटक में घटना और वर्णन की सार्थकता है। एक तरफ सन्यासी हैं, एक तरफ सामान्य जीवन के लोग हैं। घटना क्या है? विदाई है। इस विदाई से जब पुत्री की पहली बार विदाई हो रही है तो एक सन्यासी की क्या दशा है, एक सामान्य मानव जन की क्या दशा है। कालिदास क्या यहां से शिक्षा देना चाहते हैं, समाज को क्या सीख मिलनी चाहिए, इस चीज को यहां से भारतीय समाज को शिक्षा दी गई। दूसरी बात उन्होंने बताया, आप देखिए एक जगह और बहुत मार्मिक चित्रण है, समाज को कैसे जोड़ा है। पुत्री पहली बार जब पतिगृह पहुंच जाती है तो पतिगृह पहुंचने के बाद एक नौड़ा वधू जो है उसको जो है पति के घर पहुंचने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज को क्या शिक्षा दिए हैं। जैसे देखिए, शकुंतला तो राजकुमारी है, शादी राजकुमार से हुई है, उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ है, वह ऋषियोचित जीवन को जिया है, और जब वो राज दरबार में पहुंचेगी तो एक तरह से जो है कालिदास ने इस नाटक में कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्री, यह शिक्षा कौन दे रहा है? कुल गुरु दे रहे हैं, कर्ण ऋषि कह रहे हैं, समझा रहे हैं। ऋषि के माध्यम से कालिदास क्या बताना चाहते हैं कि पुत्री तुम अब पतिगृह को जा रही हो, पतिगृह को जा रही हो, और पतिगृह जाने पर वहां पति के घर आपको कैसा व्यवहार करना है। वहां मान्य लोग होंगे, श्रेष्ठ लोग होंगे, सुश्रुवस्य गुरुन, जो श्रेष्ठ जन होंगे आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बहुत सारी राजकुमारियां होंगी, बहुबल्लभा राजा ना, राजाओं के पास बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, वहां बहुत सारी सौतें होंगी आपके साथ, वहां आपको कैसा व्यवहार करना है, सखी जैसा व्यवहार करना होगा, आपको अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना होगा। कह रहे हैं कि कभी भी क्रोध में आने पर भी आपको पति के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना है। कह रहे हैं कि आप यहां आश्रम में निवास कर रही हैं, अब आप राजकुमारी हो जाएंगी, तो राजकुमारी हो जाएंगी तो आपके पास नौकर चाकर हो जाएंगे, उन नौकरों चाकरों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। तो सदैव उनको जो है आदर के व्यवहार के साथ आपको उनको देखना होगा। यहां से जाने के पास आपके पास धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगी,
तो कभी राजमत का अहंकार नहीं होना चाहिए। और इस तरह की जो पांच शिक्षाएं वहां दी गई हैं, यदि आप इसका पालन करेंगी तो आप राजकुमारी के पद पर सुशोभित होंगी। यदि आप इसके विपरीत कार्य करेंगी तो कुल के लिए अभिशाप होगी। तो देखिए, एक शिक्षा यहां पर दिया गया, कैसे कालिदास ने भारतीय समाज की घटनाओं को व्यवस्थित किया है और इस नाटक के माध्यम से समाज को कैसा संदेश दिया है। आज भी यदि इस नाटक का अनुकरण किया जाए तो भारतीय समाज प्रतिपल जो इसमें विषाद उत्पन्न हो रहा है वह विषाद खत्म हो सकता है। आइए अगले क्रम पर देखा जाए, वर्णनों की स्वाभाविकता। इनके नाटक में जो तीसरी बात बताई गई है, वर्णनों में स्वाभाविकता, वर्णनों में स्वाभाविकता, बहुत सिंपल सी बातें हैं। जितना भी वर्णन है इतना सहज और स्वाभाविक है कि लगता है कि वह प्रत्यक्ष आंखों के सामने घट रहा है। जैसे कहा गया है कि शकुंतला बिना जल पिलाए, किसको जल पिलाए, वृक्षों को बिना जल पिलाए स्वतः जल ग्रहण नहीं करती थी, पहले वह वृक्षों को जल पिलाती थी, इसके बाद जो है वह स्वतः दिन में पहली बार जल ग्रहण करती थी। तो यहां पर कितनी स्वाभाविकता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रथम बार कभी वह पुष्पों को तोड़ती नहीं थी, बल्कि जब वृक्षों में पहली बार पुष्पोत्सव होता था, पुष्पों का उद्गम होता था, तो वो उत्सव मनाती थी। आप देखिए, शकुंतला की विदाई हो रही है, शकुंतला की विदाई के समय वृक्षों की क्या स्थिति है, वो दुख कैसे व्यक्त कर रहे हैं, अपने पत्ते को गिरा दे रहे हैं। शकुंतला के जाने का यह वियोग है, पशु पक्षी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बंधु बांधव कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी घटना लगती है कि कालिदास समाज के सामने एक सहज ढंग से जो है स्वतः, मतलब जो है जो घटना घट रही है वो लगता है कि एकदम प्रत्यक्ष घट रही है। अगले क्रम में आप देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, रचना कौशल। रचना कौशल, इस रचना कौशल में कालिदास को महारत है। महारत का मतलब उनका कौशल इतना सरल है कि सामान्य जन को भी आसानी से उनकी बात समझ में आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रचना कौशल में उन्होंने वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है, बहुत सरल है, कम समासों वाली है, शुद्ध है, तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बार बार रचना कौशल के बारे में कहा जाता है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते, यही कालिदास की विशिष्टता है। एक लास्ट बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, वर्णनों और घटनाओं में संकेतात्मकता, वर्णनों वर्णनों एवं घटनाओं में संकेतात्मकता। पूरे नाटक में आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप, अलग टाइप की शैली आपके कालिदास के नाटकों में दिखाई पड़ती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान की बात ले लीजिए। अभिज्ञान क्या है? एक संकेत है, अंगुलीयकम। अभी इस पर चर्चा होगी, अभी इस पर चर्चा विशद रूप से होगी। तो अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान एक संकेत है, अंगुलीयकम, अंगूठी। दूसरी चीज आप देखिए, चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही प्रमत्तः, प्रमादी व्यक्ति। प्रमादी व्यक्ति क्या है? एक संकेत है। कह रहे कि कैसे कालिदास जो है दुर्वासा ऋषि के मुख से अभी शकुंतला के अभिशाप का वर्णन किया है। कहते हैं कि प्रमत्तः, प्रमत्तः में शराबी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति की दिशा दशा क्या होती है? जब वह शराब के नशे में होता है तो वह क्या बड़बड़ाता है उसको खुद भी पता नहीं रहता है। जब उसकी शराब की वह लत, शराब की नशा जब उतर जाती है तो आप उससे पूछिए कि आपने क्या बोला था, तो शायद उसको इस बात का पता नहीं। दूसरे इस लोक में देखिए संकेत की बात क्या कर रहे हैं। एकतः औषधि नाम पति, एकतः औषधि नाम पति। एक तरफ जो औषधियों का स्वामी है, औषधियों का स्वामी कौन भैया? भगवान सूर्य। वो कहां जा रहे हैं? अस्तांचल को जा रहे हैं, अस्त हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ औषधीश चंद्रमा अरुण को आगे किए हुए निकल रहा है। मात्र इतनी ही बातों से कालिदास क्या संकेत देना चाहते हैं कि शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी, शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन औषधीश सूर्य निकल रहे हैं अरुण को आगे किए हुए, तो शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी लेकिन उस विपत्ति का निराकरण भी हो जाएगा। यही कालिदास के संकेतात्मकता की कला है। शकुंतला की विदाई हो रही है, शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष अपने पत्ते गिरा रहे हैं, इन पत्तों का संकेत क्या है? दुख का संकेत है कि वो दुखित हैं। अब शकुंतला इतने दिन तक हमारे साथ रही है, अब इस आश्रम से उनका जो है, यहां से जो है वह अपने पतगृह जा रही है, और उस दुख में वृक्ष अपने पत्तों को गिराना शुरू कर दिए हैं। तो कालिदास की कितनी बड़ी कला है। शकुंतला की विदाई होने लगती है, शकुंतला पतगृह जाने लगती है, उस तरह देखिए कोयल की आवाज से बुलाना, कोयल की आवाज में उसका जो है सम्मान किया जा रहा, वहां पर कोयल का गान करवाया जा रहा, यह संकेत किस बात का दे रहा है? तो पूरे नाटक में कालिदास ने कहीं भौरों के माध्यम से, कहीं वृक्षों के माध्यम से, कहीं सखियों के माध्यम से, कहीं ऋषियों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से नाटक में रमणीयता को लाया है। यह कालिदास की बहुत बड़ी कला है मित्रों। तो देखिए आपको इतनी बातें जानना नितांत आवश्यक था, क्योंकि कालिदास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। थोड़ी ही चर्चा और करूंगा क्योंकि क्लास में समय का ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए अब हम विषय वस्तु पर थोड़ा सा आते हैं, अधिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास का नाटक है। इसमें सात अंक हैं, जैसा कि हमने आपको चर्चा किया था कि सातों अंकों में किस चीज का वर्णन है, क्योंकि इसका उपजीव भी हमने आपको बताया है। बस छोड़ रहे हैं सर, ज्यादा नहीं। उपजीव भी बताया है,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। तो उपजीव्य क्या है भैया? महाभारत है। महाभारत इसका उपजीव्य है, लेकिन महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है, वह अंश क्या है? महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत का आदि पर्व है, यहीं से इसका कथा मतलब जो है उपजीव्य लिया गया है, जो इसकी कथा है यहीं से अवतरित है। एक बात और आपको जानना है, कथानक पूरे नाटक में जो वर्णन है, क्या वर्णन है? आप सामान्य रूप से जानते हैं, जैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम की बात आती है तो कह रहे हैं कि देखिए क्या है कथानक में आपके, आपके इस कथानक में कौन सी बातें हैं? तो कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत, राजा कौन है? दुष्यंत, यही नायक है। और नायिका कौन है? शकुंतला। इसमें तीन बातें हैं, दोनों के जीवन की तीन बातें हैं, वह क्या है? प्रेम है। दूसरी बात क्या है? विरह है। और तीसरी बात क्या है? मिलन है। कितने बारे में बातें हैं, देखिए उपजीव्य कहां से लिया गया है? तो कह रहे हैं कि उपजीव्य महाभारत से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। आपके इस कथानक में सातों अंकों में कौन सी बातें बताई जा रही, कौन सी घटना घट रही है? तो कह रहे हैं कि नायक दुष्यंत है, नायिका कौन है? शकुंतला है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विरह और मिलन का वर्णन है। पूरे नाटक में दुष्यंत शकुंतला के क्या है? प्रेम विरह और मिलन का वर्णन है। इतनी बातें आपको जानना नितांत आवश्यक है मित्रों। अब इसके साथ साथ आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो देखिए अब थोड़ी सी घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी है, यहीं पर जो है घटनाक्रम के बाद जो है आज की क्लास का समापन कर देंगे। तो सबसे पहले मित्रों इतनी बात जो है आपको जानना नितांत आवश्यक है, अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए पहले इस अभिज्ञान शब्द क्या है भैया? अभिज्ञान पहले इस अभिज्ञान के बारे में हम लोगों को जान ले थोड़ा सा। आप संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट हैं, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, तो इतनी तो जानकारी आपको है ही, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसा कि आपने अपने विषय वस्तु का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यह डिसाइड कर दिया गया है। तो पहले शब्द की भी उत्पत्ति थोड़ा सा जानना नितांत है। देखिए यह बना कैसे है, इसमें अभि उपसर्ग है, फिर इसमें धातु क्या है? ज्ञा धातु है। फिर क्या है इसमें? ल्युट प्रत्यय है।
ये बना है इस तरह से, अभि धन ज्ञान धन ल्यूट, इसका मतलब क्या? अभि उपसर्ग है, कहीं न कहीं जो है यह जानने के अर्थ में है, यह क्रिया किस अर्थ में है? जानने के अर्थ में है, जानने के अर्थ में है। एकदम स्पष्ट हो गया आपका उत्तर। अभिज्ञान का अर्थ क्या है? पहचान, शाब्दिक अर्थ। क्योंकि देखिए यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा, शाब्दिक अर्थ क्या है? पहचान। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा कि अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं कि अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहचान है। अब बना कैसे है? तो देखिए कह रहे हैं कि अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा शकुंतला को पहचाना जाए। अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान है क्या चीज? तो कह रहे कि अंगुलीयकम, अंगुलीयकम, यही पहचान है। अंगुलीयकम, राजा दुष्यंत से जब शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया, विवाह के पश्चात राजा जब हस्तिनापुर को जाने लगता है, तो जाते समय शकुंतला के अंगुली में जो है उसने क्या पहनाया था? अंगूठी पहनाया था। और यही जो है अंगुलीयकम, यही पहचान है। इसी अंगुलीयकम के माध्यम से जब शकुंतला हस्तिनापुर जाएगी तो राजा दुष्यंत उसी अंगूठी के माध्यम से, क्योंकि उस अंगूठी में शकुंतला का, दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है, और उसी के माध्यम से वह शकुंतला को पहचानेगा। तो देखिए इसी के नाम पर नाटक का नामकरण कर दिया गया है। तो देखिए इतनी बात के बाद मित्रों एक बात और आपको बताना चाहते हैं। कुछ घटनाएं हैं, यही घटनाएं जो है बताने के बाद क्लास का समापन कर देंगे। पूरे नाटक में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, कह रहे कि इस नाटक की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो कह रहे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घटना, नाटक की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना। कितनी रोचकता है इस नाटक की, आप इस नाटक को अनवरत पढ़ते रहिए, कभी आपको उबन नहीं हो सकता है। कालिदास ने ऐसा इसको जोड़ा है समाज से, करे कि पूरे नाटक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है उनके कला को देखिए। तो यह प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? भूल है। पूरे नाटक की जो भी घटनाएं हैं वह कहीं न कहीं भूल के इर्द गिर्द नाचती है। कैसे भूल होता है थोड़ा सा इसको देखिए। सूत्रधार एक पात्र है, सूत्रधार, सूत्रधार जब नाटक का मंचन होता है, नाटक के मंचन के समय यही सूत्रधार क्या करता है? नाटक का परिचय कराता है।
आप देखते हैं सामान्यतः गांव में जब नाटक का प्रयोजन होता है तो नाटक जब स्टार्ट किया जाता है उससे पहले एक पात्र आता है और वह पात्र बताता है कि आज इस रंगमंच पर इस नाटक का अभिनय करने हम चल रहे हैं। तो जो परिचय बताता है वह परिचय कौन बताता है? यह सूत्रधार बताता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की शुरुआत होने जा रही है और जैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत होती है यह सूत्रधार एक बहुत बड़ी बात कह देता है। कहता है अस्मिन क्षणे अस्मिन क्षणे विस्मृते अस्मिन क्षणे विस्मृते खलु माया खलु माया। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है कि अस्मिन क्षणे विस्मृते खलु माया, जैसे ही वह नाटक का परिचय कराने जाता है कहता कि आज इस मंच पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय होने जा रहा है और नाटक के स्थान पर इस नाटक के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग कर देता है। पहली भूल यहीं पर होती है। प्रथम भूल, पूरे नाटक में जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली भूल क्या है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेला जा रहा है उसकी महत्वपूर्ण घटना भूल है और वह भूल किस पात्र के माध्यम से हो रही है? सूत्रधार के माध्यम से हो रही है। वह क्या कहता है? नाटक के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग कर देता है। दूसरी भूल, दूसरी भूल कहां हो रही है? शकुंतला के माध्यम से भूल हो जा रही है। शकुंतला कौन भूल करती है? चतुर्थ अंक की घटना है, आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य सत्कार। किसका आतिथ्य सत्कार? दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार। क्योंकि देखिए ऋषियोचित, क्योंकि जो ब्रह्मर्षि होते हैं जो महर्षि होते हैं उन्हें भूत और भविष्य की विशद जानकारी रहती है। शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी, इसी विपत्ति के निवारण के लिए महर्षि कण्व ऋषि सोम तीर्थ गए हुए हैं। सोम तीर्थ जाते समय आतिथ्य सत्कार की जिम्मेदारी शकुंतला के ऊपर, क्योंकि शकुंतला कुटी पर है, उनकी धर्म पुत्री है, आतिथ्य सत्कार उसी को करना है। इसी बीच कण्व ऋषि का दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनके आतिथ्य सत्कार में भूल हो जाती है क्योंकि इसके पीछे गांधर्व विवाह हो चुका है और शकुंतला का चित्त दुष्यंत के ऊपर लगा हुआ है और आतिथ्य सत्कार भूल जाने से शकुंतला को यहां पर दूसरी भूल हो जाती है। फिर तीसरे क्रम पर आइए मित्रों, तीसरी भूल क्या होती है? राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत ये तीसरी भूल है मित्रों। तीसरी भूल में जो है क्या हो जाता है कि दुष्यंत शकुंतला को पहचानने में भूल कर जाता है। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने में भूल कर जाता है। तो आपसे कैसे देखिए जो है यहां पर घटना घट रही है। सबसे पहले सूत्रधार घटने घट रही है, वह नाटक के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग कर देता है। फिर शकुंतला क्या भूल कर जाती है?
आपने उसको देखा, आतिथ्य सत्कार भूल जाती है। दुष्यंत से क्या भूल हो जाती है? दुष्यंत जो है शकुंतला को पहचानने से भूल कर जाता है। तो कितनी इंटरेस्टेड घटना है, पूरा अभियान शकुंतलम कहीं न कहीं जो है भूल के इर्द गिर्द नाचता है। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इस नाटक की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है भैया? भूल है। एक और घटना पर चर्चा करेंगे। दिवसाह परिणाम रमणीया, दिवसाह परिणाम, इस लाइन पर थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहते हैं। यह भी सूत्रधार ही बताना चाहता है, बड़ी ऊंची बात आपसे बताना चाहते हैं। कह रहे कि दिवसाह परिणाम रमणीया, जो दिवस का अंत होगा वह सुखद होगा, यह भी सूत्रधार बता रहा है। सूत्रधार, सूत्रधार क्या कह रहा है? सुभग सलिल औगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता। प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाह परिणाम रमणीया, दिवस का जो समापन होता है, आप देखिए जब शाम को सूर्य ढलने लगता है तो उस समय जो है सूर्य की लालिमा कितनी मनोहर होती है, वह कालिदास के वर्णनों में देखिए क्या कह रहे हैं कि दिवसाह परिणाम रमणीया, जब दोपहर की तपन हो और शाम को अवसान हो तो दोनों का अंतर देखिए, आपका दुख जो है एकदम चरम पर जो मध्यमान होता है कितना तीव्र होता है। गर्मी का मौसम हो, सूर्य का जो है प्रबल गर्मी हो, लगता है कि यह दुख दूर नहीं होगा। लेकिन समापन कैसे कालिदास कर रहे हैं नाटक का? कह रहे कि दिवसाह परिणाम रमणीया, जैसे दिवस का समापन होता है और सूर्य दिन कैसा लगता है, बड़ा मनोहर लगता है, ठीक उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो समापन होगा वह बड़ा ही सुखद होगा। दुखांत तो शुरू हो रहा है लेकिन नाटक का समापन सुखद होगा। एक और घटना की बात कर रहे हैं, बस यहीं पर लास्ट कर देंगे। कह रहे हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का क्या है प्रेम है, यह प्रेम कैसा है? इस प्रेम में कहीं भी छल कपट नाम की चीज नहीं है, एकदम उसमें कहीं भी। तो कह रहे कि दुष्यंत शकुंतला को प्रेम कैसा करता है, उसके प्रेम का संजोग कैसा है? तो कह रहे हैं कि ईस दीस चुंबतानी, कैसा है प्रेम? कह रहे कि ईस दीस चुंबतानी, जैसे भावरा भ्रमर, क्या है भैया? करे कि भ्रमर भ्रमर और पुष्प, जैसे भ्रमर पुष्प का रस स्वादन करता है, जैसे भ्रमर पुष्प का रस स्वादन करता है, ठीक उसी तरह से दुष्यंत और शकुंतला के बीच जो प्रेम है वह कैसा है? पुष्प और भौंरे जैसा है। और इसी के साथ साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन किया जाए। धन्यवाद।